हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाइए, ये आपको खाने में बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी आटा ले लिया है और इसमें 1 बड़ी चम्मच तेल डालने के बाद मैंने आधा कटोरी कसूरी मेथी डाल दी है। मेरे पास फ्रेश मेथी नहीं है, अगर आपके पास फ्रेश मेथी हो तो आप उसका यूज कीजिए, उससे आपका पराठा और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इस आटे को गूंद लेना है। हमें इस आटे को बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं गूंदना और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं गूंदना। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा स्वीट कॉर्न ले लिया है, जिसे मैंने 1 सीटी लगा के बॉईल कर लिया था। अब इसमें आधा कटोरी मैंने पनीर डाल दिया है और आधा कटोरी मैंने इसमें चीज़ का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो सिर्फ चीज़ का या सिर्फ पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें हरा धनिया, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल दिया है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें नमक डालेंगे, लेकिन नमक हमें ध्यान से डालना है क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है। तो देखिए, 10 मिनट बाद हमारा आटा इस तरीके से रेडी हो गया है। अब हम इसकी एक लोई लेकर हम जितना भी लंबा बेल सकते हैं उतनी लंबी अच्छी सी एक गोल रोटी बेल लेंगे। हमें इसे पतली पतली ही बेलना है। अगर हम इसे लंबी बेलेंगे तो हमें इसे स्टफिंग भरने के बाद ज़्यादा नहीं बेलना पड़ेगा। तो आप जितना लंबा बेल सकते हैं आप उतना लंबा रोटी को अच्छे से गोल बेल लीजिए। देखिए, ट्रायंगल के शेप में हमें इस तरीके से स्टफिंग को भरना है और अब हमें इसे इस तरीके से एक तरफ से मोड़ना है और फिर आराम से हमें दूसरी तरफ से मोड़ना है और फिर हमें नीचे से इसे मोड़ते हुए इस तरीके से दबा देना है। अब हम थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और हल्के हाथों से बेलन चलाते हुए इसे बराबर बेल लेंगे, जिससे कि जो हमारी स्टफिंग है वो चारों तरफ फैल जाए। तो देखिए, अब हम इसे तवे पर डालेंगे और इसे आराम से अलटते पलटते हुए हम पराठे को सेक लेंगे। अब मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ, आप चाहे तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, मैं इसे इस तरीके से धीमी आंच पे अच्छे से सेक लूँगी। आप भी एक बार इस पराठे को बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो देखिए, इसी तरीके से मैंने और सारे पराठे भी रेडी कर लिए हैं। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर बनाइए और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। मैंने इसे यहाँ पे स्मोकी टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है। इसकी वीडियो भी चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए, ये पराठा हर तरह स्टफिंग से भरा हुआ है। आप भी एक बार इस तरीके से ये पराठा बना के ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको फ्रेश मेथी मिल जाती है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, तो आपको पराठा और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।